नमस्कार, मी कविता। इंडिया टीव्ही न्यूज मराठीच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी। इंडिया टीव्ही न्यूज मराठी तर्फे सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून भारतीय जनता पार्टी कल्याण महिला मोर्चातर्फे मासिक पाळी एक वरदान आणि जैविक सॅनिटरी नेपकिन काळजी गरज या विषयावरती व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते। या व्याख्यानात स्वप्नील शिरशेकर, महाराष्ट्राचे पेडमॅन व मराठी उद्योग डॉक्टर स्नेहा पाटील, डॉक्टर हरिद्वार पाटील यांनी मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमास भारतीय जनता पार्टीचे सर्व महिला पदाधिकारी व इतर महिला मंडळ उपस्थित होते। उसके उपलक्ष्य में हमारी कल्याण पश्चिम की जो हमारी अध्यक्ष है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है पुष्पाताई रत्न परखे, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है जिसके वजह से महिलाओं को, विशेष करके सामान्य महिलाओं को इसके बारे में फायदा होगा। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि उनको सैनिटरी नैपकिन और इस बारे में पता नहीं होता है, कैसा यूज़ करना है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है या उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में इस कार्यक्रम में महिलाओं को अधिकारी व्यक्ति जन जो डॉक्टर्स हैं वो उनको बताएंगे और हमें पता है कि उससे उनको बहुत बहुत फायदा होगा। उसके लिए मैं रत्न परखी मैडम और उनकी टीम जो है सर जीत मिश्र, बाकी सब कार्यकर्ता हूँ, उन सबका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आने वाले वर्ष में भी ऐसे कार्यक्रम हमारे शहर में बहुत सारे आयोजित किए जाएंगे। नमस्ते। जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना खूप खूप शुभेच्छा। आज आम्ही या जागतिक महिला दिनानिमित्त येथे मासिक पाळी एक वरदान असा एक जो कार्यक्रम घेतला आहे, याच्यामध्ये आमच्या पंतप्रधान साहेबांनी जे स्वच्छता अभियान त्याच्याशी रिलेटेड हा विषय मला वाटला व माझ्या टीमला वाटला, त्यामुळे आम्ही हा विषय घेतला आहे की सॅनिटरी नॅपकिन जे असतात ते महिलांना कसे वापरावेत, कसे त्याचं म्हणजे डिस्पोज कसं करावं, कारण की त्याच्यामुळे सुद्धा शहरामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी खूपच असं घाण होत असते, प्रदूषण होत असतं। त्यामुळे आज आम्ही हा आमचे डॉक्टर शिरसेकर डॉक्टर आहेत ते मुद्दाम त्या विषयावर हे करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आहेत व ते खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी महिलांना मार्गदर्शन केलेलं आहे। आणि अशा प्रकारे जवळजवळ 100-150 महिलांना आम्ही जी जनजागृती आता केली, तसंच आम्ही वारंवार हे कार्यक्रम घेऊन अशा प्रकारची जनजागृती सगळीकडे करण्याचा निश्चय आमच्या टीमने आम्ही घेतलेला आहे। जागतिक महिला दिन और उसके उपलक्ष्य में इधर भारतीय जनता पार्टी कल्याण शहर की महिला मोर्चा ने यहाँ जिला कार्यालय के ऊपर महिलाओं से संबंधित कुछ विषयों को लेकर एक बहुत अच्छा बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि जल्दी से महिलाएं, बहुत महिलाएं रहती जिनको इनके बारे में समस्या रहती है लेकिन वो खुलकर इसके विषय में बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी साहब को कि उन्होंने स्वच्छता अभियान ये विषय इतना बड़ा करके उठाया है पूरे भारत में कि आज हर विषय, जो भी विषय स्वच्छता की ओर खींचा जाता है, उस विषय पे खुलकर बात करने के लिए हर इंसान तैयार है। और महिलाओं का मैं सही में अभिनंदन कर रही हूँ कल्याण पश्चिम महिला मोर्चा का कि उन्होंने जो विषय अभी ज्वलंत विषय है उस विषय को लेकर यहाँ सैनिटरी नैपकिन ये तुम्हारे लिए समस्या नहीं है, वो तो जरूरत है। और जो पीरियड्स जो आते हैं महिलाओं को, ये लोग पहले लेडीज उसके बारे में घबराहट रहती थी लेकिन ये हमको दिया हुआ एक ईश्वर ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। और इसका नॉलेज देने के लिए एक शिरसाकर सर जो आए हैं डॉक्टर, वो इसके बारे में उनको पूरा नॉलेज है। और एक बहुत अच्छा सत्र इसके बाद रखा गया है जिसमें महिलाएं खुद अपनी समस्याएं बताएगी और उसका जवाब वो डॉक्टर खुद देने वाले हैं। और ये हमने शुरुआत की है, इसका रिस्पॉन्स आज देखने के बाद इधर महिला मोर्चाओं ने और मेन मेन पदाधिकारियों ने ऐसे सोचा है कि ये जो समस्या है, ये ग्रामीण और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, ऐसी जो महिलाएं उनको ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो हम एरिया वाइज जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है ऐसे एरिया में जाकर इस समस्याओं का निराकरण करने का कोशिश सब महिलाओं की तरफ से होने वाला है। और मैं जिला महिला मोर्चा की तरफ से कल्याण शहर की महिला मोर्चा का अभिनंदन करना चाहती हूँ, खासकर पुष्पा मैडम और उनकी पूरी सरचिटनीस दोनों तीनों और उनकी पूरी टीम की, इन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन इस कार्यक्रम का किया है और हमेशा वो तारीफ़ काबिल कार्यक्रम करते हैं और उनका हमेशा सपोर्ट, उनके लिए मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। और मैं कल्याण पश्चिम में रहती हूँ, इसका अभिमान मुझे होता है। और जागतिक महिला दिन है उसके लिए सारी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो 365 दिन सब महिलाओं के ही होते हैं लेकिन एक विशेष, कुछ तो भी विशेष अलग लगना चाहिए, इसके लिए खास दिन है हमारा ये। त्यानंतर दुर्गाडी येथे बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले,
या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन कल्याण शहर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुष्पा रत्न पारखी यांनी केले होते. यावेळी राजाभाऊ पातकर, परिवहन सभापती सुभाष मस्के, नगरसेवक अर्जुन भोईर, साधना गायकर, प्रिया शर्मा, ॲडव्होकेट सोनाली भगत, भावना मनराजे, हेमाजी पवार इत्यादी मान्यवर मोठ्या संख्येमध्ये उपस्थित होते. यावेळी पुष्पारत्न पारखी यांनी सांगितले की आज कुठलंही क्षेत्र असो, महिला पुरुषांचे खांदेला खांदे लावून ती उभी आहे आणि कुठल्या क्षेत्रामध्ये ते मागे नाही आणि सर्व महिलांना महिला दिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा देते. या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व महिला अध्यक्ष व कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. तर या होत्या इंडिया टीव्ही न्यूज मराठी. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. 9320420420, 9388420420. तर आता वेळ झालीये निरोप घेण्याची. नमस्कार.